जोन कंट्रोल 126, ये है टेरन मैक डे 86i जेट रेंजर। डू यू कॉपी? आई कॉपी। हम कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच गए हैं 11.3 डिग्रीज नॉर्थ, 86.9 डिग्रीज ईस्ट। हमारी स्पीड है 315 किलोमीटर पर आवर और 3000 किलो हाइड्रोलिक रेंज कैरी कर रहे हैं। ओके, डू यू हैव एनी ऑब्जर्वेशंस? इज देयर एनीथिंग स्ट्रेंज और मिस्टीरियस? नहीं सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन है ये। स्ट्रेंज क्या है इसमें? कम्युनिकेशन फेलियर है ये। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये माउंटेन टेरेन है, यहाँ ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है, फिक्र मत करो। नहीं, यहाँ पर कम्युनिकेशन फेलियर का मतलब ये है कि माउंटेन के ऊपर कुछ ना कुछ तो है, वो कोई सुपर पावर हो सकती है। सो लेट्स गो बैक। सुपर पावर? किधर है बताओ मुझे, बताओ कैसी दिखती है वो? तुमने भगवान को देखा है कभी? भगवान भी कभी दिखाई नहीं देते हैं। मैं भगवान को मानने वालों में से नहीं हूँ, प्योर नास्तिक हूँ मैं। जब तक नहीं देखूंगा तब तक भरोसा नहीं करूंगा। अगर तुम भरोसा नहीं करोगे ना तो हमारी जान जाएगी। ठीक है, अगर हमें भगवान दिख जाए तो हम वापस जाएंगे, नहीं तो वी गो स्ट्रेट। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? हमारी जान जा सकती है। शट अप, आई वॉन्ट टू सी द गॉड राइट नाउ। आज तो मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। कम ऑन प्लीज। ए भगवान, तू अगर सही में है तो मेरे सामने आके दिखा, किधर है तू? कम ऑन, कंट्रोल योरसेल्फ। ए भगवान, डरो मत, मेरे सामने आओ। कम ऑन, कम ऑन। गया तुझे, तुझे मरने का इतना ही शौक था ना, अब तुझे भगवान दिखेंगे। बड़ा गुरूर था ना तुझे। अचानक से खराब हो गया है, इस वक्त ऊपर जाना ठीक नहीं होगा, आपको वापस आना होगा। घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 300 मीटर दूर है, उसके बाद चोटी पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त ऊपर जाना सही नहीं है सर, प्लीज कम बैक टू कैंप। हमें आदेश देने की जरूरत नहीं, भूल जाओ कि हम लोग वापस आएंगे। ओ वाह, मेरी बात सुनिए सर। सर क्या हुआ, क्या बात है? बोल रहे हैं ऊपर जाने में खतरा है, हमें वापस बेस कैंप बुला रहे हैं, क्या बोलते हो, वापस चले क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुई ना बात, लेट्स गो। कोशिश करो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा।
एक मिनट, चलो नंदू इसे पकड़ लो। बढ़िया, कोशिश करो, पकड़े रहो नंदू, कोशिश करो, कोशिश करो नंदू, ऊपर आओ, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहो नंदू, पकड़े रहो, खींचो अपने आप को ऊपर, बहुत बढ़िया। तुम ठीक तो हो ना? सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वेदर में ऊपर जाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों ना हम नीचे जाकर वेदर स्टेबल होने का इंतजार करते हैं। एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़े हैं पता है तुम्हें? हाँ, कितने लोग चढ़े हैं? 5,000 से लेकर 5,500 तक होंगे। अगर हम लोग भी कोशिश करें तो उन 5,000 लोगों में शामिल हो सकते हैं, और ये काम नामुमकिन नहीं है नंदू। हाँ। लेकिन हम उन 5,000 लोगों में से अलग होंगे, क्योंकि हमने एवरेस्ट पर सबसे जल्दी चढ़ाई की होगी। जिगरा चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम होगा। हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आए हैं, इसलिए बातें कम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं नंदू, जीत हमारी होगी, आ जाओ। सिर्फ एवरेस्ट पर ही नहीं, जिंदगी में जब भी मेरे कदम लड़खड़ाए हैं तब मेरे हर कदम को ओमकार सर का साथ मिला है। लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। मैं सोच रहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज ओमकार सर की वजह से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल किया। वही मेरे गुरु हैं, वही सब कुछ हैं, ओमकार सर। सबकी उम्मीद के मुताबिक हमारी एक बढ़िया टीम बन गई थी। हम सिर्फ बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर ही नहीं बल्कि आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। सर, स्माइल प्लीज। अरे यार, अभी पहले हंसने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप मामूली इंसान नहीं हो, माउंटेन वर्ल्ड टावर रिकॉर्ड में आपका नाम है। कल सारे कैमरा आपके पीछे लगे रहेंगे, ये बात जान लीजिए। नंदू, तुम भी कुछ कहो, कल से तुम भी फुल लाइमलाइट में रहोगे, है ना? लाइमलाइट में नहीं, मैकेनिकल लैब में जो ट्यूबलाइट है ना वैसा हूँ। कॉलेज जाकर बहुत बोर हो गया हूं। ए नंदू, क्या रे, एंजॉय के टाइम पे तू कॉलेज का नाम ले रहा है? जस्ट चिल मैन। काय का चिल यार, तुम्हें पता है ना हम सब ने मिलकर इन सबको कितना सपोर्ट किया था, बदले में हमें क्या मिला? कम ऑन अंकल, हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बस उसके बदले में इससे हम पार्टी ले लेंगे, क्यों, देगा ना? श्योर, पक्का। एवरेस्ट से बड़ा एडवेंचर नहीं हो सकता, इस बात का हमें गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा एडवेंचरस काम दुनिया में है, और हमारे साथ कुछ ऐसा एडवेंचर होने वाला था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, कुछ एकदम अलग। हमें सामने चलकर जाना है, 20 किलोमीटर्स, फॉरेस्ट रूट। 20 किलोमीटर्स? क्यों, तेरे लिए कैब बुक करूं क्या?
देख क्या रहा है, चल चल। I am Colonel Sridhar. Oh, please come in, sir. मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए सर, अंदर बैठते हैं। कहिए सर, आप मिलिट्री वालों को माउंटेनियर से क्या काम है? हम जो एडवेंचर का काम आपको सौंपने वाले हैं, उस काम की वजह से दुनिया के हर एक इंसान को भी फायदा होगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Yes, why not? मैं जरूर आऊंगा। तब तो हमारे पास आपके लिए कुछ तो एक्साइटिंग जरूर है। क्या आपको इस पहाड़ के बारे में कोई जानकारी है? वाओ, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंडिया में या फिर रशिया में मैंने ऐसा कोई पहाड़ कभी नहीं सुना। हो सकता है कि ये अफ्रीका में हो। ये पहाड़ इंडिया में ही है। क्या? उस दिन की डिस्कशन के बारे में अगर ओमकार सर ने हमें बता दिया होता तो आज हम इस कैंप पर नहीं आते। जिस माउंटेन के खोज में हम जा रहे थे वो कहाँ ये तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही भयानक रहस्य था। आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन प्रदेश में भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। इस माउंटेन के अंदर भी बहुत सारे राज छिपे हैं सर। ये कोई नॉर्मल माउंटेन की तरह नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है। खतरनाक जंगल है, राक्षस जैसे इंसान, जानलेवा झरने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि ऐसी जानलेवा जगह कहीं नहीं पाई गई है। वहां के रहस्य को ढूंढने के लिए हमने हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब बेकार हो गया। ड्री कॉपी। इस रहस्य को जानने के लिए हमने वहां पर दो टीमें भेजी थी, लेकिन आज तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। जब एक टीम वापस नहीं लौटती, दूसरी टीम भेजने का मतलब नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए था। वही तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोकेशन एकदम मस्त है, अगर यहाँ पर शूटिंग करेंगे बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, धूम मचा देंगे। जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कैमरा और क्रेन कौन उठा कर लाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, जंगल में जो ट्राइबल्स है ना वो लेके आएंगे। मगर फूड, यहाँ पर तो पैटिस बर्गर भी नहीं मिलेगा ना? जंगल में तो जानवर होंगे ही ना, उन्हें मारेंगे और पका कर खाएंगे। अगर जानवर को भूख लगी तो वो हमें खा जाएंगे। हमेशा गलत ही सोचते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा एक्टर है जो ऐसे जंगल में आकर एक्टिंग करना चाहेगा? सुनो तो यार, अगर वो लोग एक्टिंग नहीं करेंगे तो क्या हुआ, ऋषि मुनि होंगे, उनके साथ शूट कर लूंगा। कॉमेडियन एक्टर लोग का क्या प्लान है? जरा तुम चुप रहोगे? मेरी फिल्म है, मैं किसी भी तरह कर लूंगा। अच्छी जगह है, दिल में रखो। सिर्फ दिल में ही नहीं, मैं लिख कर भी रखूंगा। तू उसके ही लायक है, फिल्म कैसे निकालते हैं ये तू नहीं जानता, तुझे सिर्फ लिखना आता है। तेरा ख्याल लिख लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पकाने वाला भी कोई चाहिए। तुझे अगर बात पता ना हो तो बोला मत कर। इसको बोल के कोई मतलब नहीं है। तू बोल रहा था ना साधु ऋषि को लेकर फिल्म बनाएगा, वहां उधर देख, वो ऋषि वहां बैठकर तेरा वेट कर रहा है। ए, कौन है ये, क्या कर रहा है यहाँ? चलो देखते। अंकल। हाँ। मेरी फिल्म का हीरो मुझे मिल गया। कौन? ये फ्रेम में देखो अंकल, मूछ निकालो तो शाहरुख और दाढ़ी निकालो तो सलमान। Hey, let's move. One minute, sir. सही से शूट कर। जरा स्वामी जी की एक तस्वीर तो निकाल लूं। ए, नरेश। जय श्री राम। इदं जीवा प्रसादं पवित्र प्रदेशं स्वार्थ कपट कल्मा सरहिता यवतातशी कराकृं प्राप्तुं प्राप्तुं हे यश्मासु एकसुई हर हतहस्ते अन्य मृत्युमुखं प्राप्तुं हे अन्य मृत्युमुखं प्राप्तुं हे अन्य मृत्युमुखं प्राप्तुं हे। कहा था जब देखो मजाक मस्ती करते रहते हो। साधु ने पता नहीं हमें क्या श्राप दिया होगा। हम में से सिर्फ एक ही आदमी उस माउंटेन पर जा सकता है, बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा उस साधु ने कहा है। सच में? यस, साधु ने हमसे यही कहा है। लगता है साधु ने हमसे जो कहा है सच में वही होने वाला है। कम ऑन टॉमी, हम इतनी दूर आ चुके हैं, डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, और मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता।
मेरी बात सुनो, वो जो सामने माउंटेन है वो सर्कुलर शेप में है, शायद इसी वजह से इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आपने कहा था अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रूप यहाँ कैसे आई। मैंने कहा था कोई ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन ट्राई तो बहुतों ने किया। तो ट्राई करने वाले का क्या हुआ? मुझे पता नहीं। पता नहीं? हाँ पता नहीं। देखो नंदू, जीतने वाला सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है, हम कुछ और नहीं सोचते। अब इसे क्रॉस करने के बारे में सोचो और बकवास बंद। So much. Hey, Monica, 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 please. मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं मिली क्या तुम्हें? मिली है ना, लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत, मनमोहिनी और एडवेंचरस एटीट्यूड किसी में नहीं है, क्या करें। कभी तो तुम सच बोल दिया करो। हेलो, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, पर तुम्हें झूठ लगता है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो हीरो कौन है बताना। मैं हूँ। तुम हो? हाँ। तुम मेरे साथ एक्टिंग कर भी पाओगे? मोनिका, ये तुम्हारे और मेरे बीच का सवाल नहीं है, ये नरेश की जिंदगी का सवाल है। उसे बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है, अब अगर उसे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बार खुद सोच कर देखो। Take your own time and make a right decision. Bye. Short movie में beach पर song. Okay. अच्छा ही होगा. और अगर उसमें मैं और मोनिका होंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा. लेकिन इस बीच में ईशा कहाँ से आ गई? वो लोग तो फिल्म में ही नहीं है, सॉन्ग में कैसे डालेगा? मुंबई से जो हीरोइन आती है और आइटम सॉन्ग में ऐसे हिलाती है, वो गाने के अलावा पूरी मूवी में कहीं दिखती है तो ही बता, नहीं ना? ऐसा ही समझ लो। मेरी बात याद रखना, एक दिन तू बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ऐसा तुझे क्यों लगा? ये जो स्टोरी लिखी है तूने बिना लॉजिक के, फिल्म इंडस्ट्री में धमाका हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आज तो पड़ेगी तेरे को। हाय, आई लव यू। आई लव यू टू। गुड। ये क्या, ऐसा भी कोई आई लव यू बोलता है क्या? प्लीज नंदू, मोनिका, ये लास्ट शॉट है, ठीक से करो। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम ड्रीम में अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, असलियत में भी तुम दोनों वही सोचो ना, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। Monica, I love you. I love you too. Huh?
मोनिका, मोनिका प्लीज मेरी बात सुनो। नरेश इसे जल्दी से डिलीट कर। एडिटिंग में मैं डिलीट कर दूंगा। एक बात समझ ले, ये डिलीट हो जाना चाहिए। हाँ। मोनिका, मोनिका प्लीज, मोनिका आई एम सॉरी, ये सब अनजाने में हो गया। तुम पागल हो क्या? अनजाने में कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मोनिका। नंदू, डोंट एवर टॉक टू मी अगेन। और एक काम करो, इस लिप लॉक शॉट को स्लो मोशन में तुम दो बार रिपीट कर दो, फिर कोई स्पेशल इफेक्ट देकर एक बार और रिपीट करो। एनी प्रॉब्लम? भाई अपने वीडियो को 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। देखा, मैंने कहा था ना 5 लाख व्यूअर्स के ऊपर जाएगा ये फुटेज। कम ऑन, आई वांट मोर लाइक्स, आई वांट मोर कमेंट्स, आई वांट मोर हिट्स। बस हुआ, ये और चाहिए। मैंने वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं किया? तू सिखाएगा मुझे क्या करना है? तू सिखाएगा मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, ये मेरी फिल्म है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। तू कौन होता है बोलने वाला? मेरे कहने पर मोनिका एक्टिंग करने के लिए राजी हो गई थी, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा बता? तुझे इसी वक्त वीडियो को डिलीट करना होगा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं डिलीट नहीं करूंगा, तुझे जो करना है कर ले। मेरा करियर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मरने से पहले इस इंडस्ट्री को मैं कौन हूँ ये बता कर रहूंगा, और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ए, इज्जत से कह रहा हूँ, वीडियो डिलीट कर, डिलीट कर वरना मार दूंगा। डिलीट कर, डिलीट कर जल्दी। ओके चल, डिलीट कर, फॉर्मेट कर इसे। वो क्यों? जो बोल रहा हूँ वैसा कर, समझा? ए, अभी तक हमने जो मेहनत की है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जो होता है होने दे, चल चल अब चल। यार प्लीज जरा समझा, मैंने कहा ना फॉर्मेट कर। सुन तो सही, कर। शिट, माउंटेनियरिंग के बारे में तुम लोगों को जानकारी नहीं थी, मैंने ही एक टीम बनाकर तुम लोगों को ट्रेन किया। अपनी टीम की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मैंने कई साल लगा दिए और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब काम की बात करते हैं। हम सब मिलकर अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। डू यू गेट मी? हमारे साइंटिस्ट की वजह से इस माउंटेन के बारे में पता चल पाया। ये माउंटेन इंडिया में ही है, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता है। 5000 मीटर्स ऊंचाई वाले इस माउंटेन में कई सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इतने सालों से सैटेलाइट की स्कैनिंग में और गवर्नमेंट की फाइल्स में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ गए तो हिस्ट्री बुक्स में हम सभी का नाम होगा। दोस्तों, हमारे पास ये सुनहरा मौका है। अगर हमने ये कर दिखाया तो फिर हमें यहां मौजूद हमारी पूरी टीम को, यानी हम सबको, गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलेगा, 50 लाख। माउंट एवरेस्ट पर पता नहीं कितने लोग चढ़े होंगे, लेकिन सबको तेंजिंग का नाम याद है। ठीक उसी तरह हम इस माउंटेन पर चढ़ेंगे और हमारा नाम सबको याद रहेगा। लेकिन जीत अकेले नहीं मिलती, अगर एक अच्छी टीम हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अब बोलो, इस माउंटेन पर चढ़कर हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनकर दिखाएंगे। या श्योर, आई मीन 50 लाख बहुत टेम्प्टिंग है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। मी टू। मैं भी आ रही हूं। आई एम रेडी। आई एम कमिंग। ग्रेट, तो सैटरडे मॉर्निंग हम लोग शुरुआत करेंगे। गेट रेडी। सो ऑन माय काउंट 1 2 3 एवरीबॉडी से द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम। वर्ल्ड्स बेस्ट टीम।
क्या हुआ भाई? मैंने जो साधु का वीडियो बनाया था यार, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम है क्या? बैकग्राउंड में जो पेड़ दिख रहा है ना, वहीं पर वो साधु भी बैठा हुआ था। लेकिन यार अब सब कुछ है बिना साधु के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। रास्ते में अभी तक जो भी मुसीबतें आई हैं उसे संभाल लिया, लेकिन अभी जो मुसीबतें आएंगी वो बहुत ही भयानक होंगी। उस साधु के पास जरूर कोई जादुई शक्तियां हैं। टॉमी क्यों इतना टेंशन ले रहा है? कितनी जगहों पर हम लोग गए हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस माउंटेन में कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस माउंटेन। हम में से कोई मर जाए इससे पहले यहाँ से वापस जाना ही बेहतर होगा। लगता है साधु को देखकर डर गया है तू। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। वो साधु कोई मामूली साधु नहीं है, कुछ तो बात जरूर है। वो बहुत ही ज्ञानी दिख रहा था। उस दिन नरेश ने जो वीडियो बनाया, फोटो खींचा, उसमें वो साधु दिख ही नहीं रहा था। उसमें सब कुछ वैसा ही था, बस साधु नहीं था। नरेश का कैमरा ना तो यार ऐसा ही है, कभी तो कैमरा से बैकग्राउंड गायब हो जाता है, तो कभी बैकग्राउंड रहता है, तो फिर आदमी गायब हो जाता है। कुछ भी मत बोल। तुम लोगों को मेरी हर बात मजाक लगती है। कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, सब अपने आप को तीसमार खान समझते हैं। ठीक है, मेरा क्या जाता है? माउंटेन पर चढ़ जाने के बाद सबको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इस रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटने वाले। डरपोक हो या ताकतवर हो, जीतता वही है जो हार नहीं मानता। तुम अपने डर को हराकर हमारे साथ आना चाहते हो या फिर तुम डर कर वापस जाना चाहते हो? अभी डिसाइड कर लो। पंख को काट देने के बाद उड़ने के लिए बोल रहे हो? तो मुंह बंद करो और हमारे साथ चलो। ओके गाइस, तो हॉल्ट करने की हमारी अगली जगह ये है, लेकिन हम वहां एक साथ नहीं जाएंगे। हम तीन टीम्स बनाएंगे। अगर किसी एक टीम को तकलीफ हुई तो इस जगह वापस आकर वो दूसरी टीम को ज्वाइन कर सकती है। ओके, इस तरह हम इस माउंटेन के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और ये भी कि कौन सा रास्ता आसान है। मेरी टीम यहाँ से स्ट्रेट जाएगी। अंकल और टॉमी, तुम दोनों लेफ्ट साइड में जाओगे। अभी ईशा नरेश, तुम तीनों को राइट साइड वाले रूट से जाना है। ओके, मेरे हिसाब से हम तीनों टीम्स इस जगह 3 बजे मिलेंगे। तुम सभी एक बात का ध्यान रखना, हम जिस रास्ते पर भी जा रहे हैं उस रास्ते पर जान का खतरा है। टॉमी। यस कमिंग अंकल। नंदू, हाँ तुम दोनों यहीं रुकोगे, मैं आसपास जाकर चेक करके आता हूं। तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ओके, रेस्ट करो। या ईशा, अरे रुको ना ईशा, कहाँ जा रही हो? पकड़ो मुझे ईशा। ओहो, आ कितना भगाया तुमने। ईशा, हाँ इस क्लाइमेट को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं दुपट्टा ओढ़कर सो जाऊं और मैं भी उसी दुपट्टे में घुस जाऊं। कट कट, परफॉर्मेंस नहीं है, डायलॉग है केवल। कैमरे में सब पता चलता है। हे स्पाइडर। हाँ, ये नॉर्मल स्पाइडर से कुछ ज्यादा ही बड़ी है ना। तुमने क्यों मारा उसे? छोटे छोटे कीड़ों को पैरों से कुचलना मेरा शौक है, हॉबी। बहुत ही अजीब आदत है। ये अजीब आदत नहीं, अच्छी आदत है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम्हें किसी के ऊपर गुस्सा आता है और तुम उसका कुछ नहीं कर पाते, तब मन को शांत करने के लिए छोटे मोटे कीड़ों को मार देना चाहिए। और अगर मन नहीं भरे तो एक मारो, दो मारो, और जब तक मन नहीं भर जाए मारते रहो। इससे तुम्हारा मन भी शांत होगा और इस धरती के सारे कीड़ों को
स्वर्ग की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। नरेश क्या बेकार की लॉजिक है यार। सुनो मेरे बारे में कुछ भी कहो लेकिन लॉजिक के बारे में बोला तो मार दूंगा। इतना क्यों डर रही हो? मैंने तो बस मजाक किया था यार। वो तुम लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हो। निशा चलो भागो यहाँ से। नरेश 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 नंदू थैंक यू। किस लिए? मैंने तुम्हें बचाया इसलिए। मैं जब खतरे में थी तो तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया। तुम्हारे ऊपर क्रश है इसलिए मैंने तुम्हें बचाया ये मत समझना। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही करता। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ नंदू। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैंने तुमसे कभी रूड बिहेव किया हो तो आई एम सॉरी। अब ये क्या नया है थैंक्स और सॉरी? लगता है ओमकार सर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इस एक्सपेडिशन के पीछे कोई और ही बात लगती है। तेरा प्रॉब्लम क्या है तुझे पता है? तू है ना बहुत सोचता है। भाषण देना छोड़ चल अब। हमारी टीम में दो लड़कियां हैं लेकिन उनको छोड़ के इस बूढ़े को मेरे गले में बांध दिया है। उस ओमकार सर को ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तेरी शादी कब होगी क्या पता। ओमकार ने जो टीम सिलेक्ट की है वो बराबर है। वो तो मैं भी जानता हूँ लेकिन मेरे बारे में ना चिंता करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आप भी कुछ कम नहीं हो। आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? उस साधु ने ये कहा वो कहा ऐसे कहकर ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है मान लिया वो पागल जैसे कुछ तो बक रहा था। वो भाषा तुझे कैसे मालूम है बता? टॉमी तुम तो एक क्रिश्चियन आदमी हो ना, साधु के बोलने पर तुम कैसे विश्वास कर रहे हो? हम चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं पर अभी हमें ये एक्सपीडिशन कंप्लीट करनी होगी। ओके ए, छोड़ना यार। ए, पागल हो गया क्या? यहाँ से भाग जाते इसी में भलाई है। प्लीज हेल्प मी प्लीज अभी। चल ना चल यार यहाँ से। Sorry, चल अभी।
क्या कहते हो अंकल, ये भी एक हादसा है ना? इदम जीवा प्रसादकम पवित्र प्रदेशम स्वार्थ कपट कलमस रहित एव एतत् शीकराकरं प्राप्तुं प्राप्योः इश्वसीयकसुई वारवत हस्ति अन्ये मृत्युमुखं प्राप्तयुः। चला गया क्या? हाँ शायद। अरे सच में चले गए। ए, ये देख। अरे पागल, ये कोई टाइम है? Somebody help! कोई है? मेरी मदद करो! Help! आगे। ईशा। Get lost! ईशा, क्या हुआ? ये सब लोग चले गए, मैंने तो एक्शन बोला ही नहीं, मेरा एक्शन करके कोई वैल्यू ही नहीं। अबे ओ गॉड नरेश, ईशा चलो लेट्स गो। देखा, कुछ सुनाई दिया अंकल? काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। क्या मतलब? मृत्यु योग, मृत्यु योग का पहला बलिदान अभी चढ़ा है। अंकल, मैं एक पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूँ, संस्कृत की डिग्री है मेरे पास, इसलिए उस साधु ने जो कुछ भी कहा था मैं उसी वक्त समझ गया था। तुम अगर हिंदू धर्म को इतना मानते हो तो फिर दूसरा धर्म क्यों अपनाया? मैं मानता हूँ, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में, अंत में सारे के सारे यहीं पर दफन होंगे, इसलिए मैंने धर्म को बदला। विश्वनाथन शास्त्री से फिर मैं थॉमस मैलकॉय बन गया। दिस इज ऑल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। हाँ
हम सब में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और वो हूं मैं। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना जायज है और मैं जीने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ए टॉमी, ये तू क्या बोल रहा है? जिसे मैंने बचाया है उसे मार भी सकता हूं। ये सब कुछ मैंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया है। Come on, Monica. Go fast. Go. Are you okay? सर वो नरेश, नरेश मर गया सर। क्या? हाँ यार, स्पाइडर्स, इतने बड़े-बड़े स्पाइडर्स ने हम पे अटैक किया। वहाँ से हम दोनों तो बच के भाग गए, मगर नरेश नहीं बच पाया। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, हम सब यहाँ मरने आए हैं। नरेश मर गया क्या? नरेश सच में मर गया? Shut up, Tommy. अंकल किधर है? उनके बारे में क्या कहूं? वो पहाड़ से फिसल कर बेचारे नीचे गिर गए और मर गए। What? वो साधु ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच हो रहा है। ऑलरेडी दो लोग मर गए हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर वरना यही ठोक दूंगा। हाँ मार दो, कम से कम एक मुसीबत तो कम होगी। सर यहाँ क्या हो रहा है सर? ये गन कहाँ से आई? उस पहाड़ में क्या है सर? आप कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं, प्लीज हमें सच बताइए। हजारों साल पहले लुप्त हो चुके जानवर आज भी उस पहाड़ पर जिंदा हैं। उनमें से कई जानवरों की उम्र 1000 साल से भी ऊपर है। क्या कह रहे हैं? हाँ वहाँ कुछ तो रहस्य जरूर है जिसकी वजह से वो जानवर आज भी जिंदा है। अगर हम उस रहस्य को ढूंढ निकालें तो हम काफी इंसानों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता। इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीम ही इस रहस्य को ढूंढ निकाल सकती है, इसलिए आपको ही अपनी टीम के साथ उस पहाड़ के रहस्य को ढूंढ निकालना होगा। काम में एडवेंचर तो है लेकिन रिस्क बहुत है। 5 करोड़ भारत सरकार की तरफ से मैं आपको दिलाऊंगा और आपकी टीम के हर एक मेंबर को 50 लाख रुपए दिलाऊंगा। संजीवनी, ये द्रोणागिरी पहाड़ है। ओह माय गॉड, साधु ने जो कहा था वो यही है। राम भगवान ने शादी के बाद इसी जंगल में आकर वनवास काटा था। जब रावण के ऊपर बाण चला था और वो घायल हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने इसी पहाड़ पर आए थे। इस पहाड़ के ऊपर जो जड़ी बूटी पाई जाती है उसे अपने शरीर पर लगा दो तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी, और यहाँ पर जो चंदन मिलता है उसे अपने शरीर पर अगर लगा दो तो हड्डियों की बीमारी और चर्म रोग कभी नहीं होगा, और शिवगंगा नाम की जड़ी बूटी से बदन के सारे घाव बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी बात है। संजीवनी अमर कर देने वाली जड़ी बूटी। ओमकार, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब मैं ऊपर जाकर ही रहूंगा। हेलो जेम्स बॉन्ड, अपनी ये कहानी बंद करो। एक साइंस बोलता है और एक रामायण, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर कुछ है तो हम सब लोगों की मौत। ईशा चलो यहां से। मैं किसके भरोसे आऊं? तुम्हारे भरोसे। ईशा क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? डोंट टच मी यू कावर्ड। व्हाट,
तुमने कहा था मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हो और अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहाँ खतरे में छोड़ के भागा है। क्या यही था तुम्हारा प्यार? इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ यार। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, धोखेबाज हो तुम। मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। ए, हेलो मैडम, तुम क्या कोई मिस यूनिवर्स हो जो मैं तुम्हारे पीछे अपनी जान दूं? मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे पड़ी थी और ये भी पता है कि क्यों पीछे पड़ी थी। मैं पीछे पड़ी थी? और नहीं तो क्या, तुम्हें तो कोई पैसे वाला चाहिए था और तुमने मुझे फंसा लिया और पागलों की तरह मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुका हूँ, समझी तुम? ओमकार, हमेशा तू ही हमें लीड करता है ना, इस बार मैं लीड करूंगा। क्या तू क्यों करना चाहता है? जिंदा रहेंगे या नहीं ऐसे हालात में हैं हम। मेरा सपना था कि माउंटेन क्लाइंबिंग टीम का लीडर बनूं, आज वो पूरा होगा। नो प्रॉब्लम, तू कर ले। ओमकार सर, ये हमारे लिए सेफ होगा। सेफ है या नहीं, यहां बात करना बेकार है नंदू। टॉमी, सब लोग एक साथ रोप पकड़कर क्लाइंबिंग करो, अगर एक एक आए तो जान को खतरा हो सकता है, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसा करो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सब लोग एक साथ रस्सी पे लटके हुए हैं। मैं जो कर रहा हूं वो हत्या नहीं है, मैं ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूं। तो हत्या कैसे हुई? सॉरी गाइस, उस साधु के मुताबिक हम में से कोई एक ही पहाड़ पर चढ़ सकता है। तुम सबको मेरी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। टॉमी, ये गलत है। जब जान बचाने की बात आती है तो सही गलत नहीं देखा जाता। टॉमी, मुझे मेरी जान बचाने के लिए तुम सबको मारना होगा। होश में आओ, मैं ऐसा करूंगा तुम लोगों ने सोचा नहीं था ना, पर मैंने बहुत पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी। टॉमी, पागल हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। अंकल को भी पहाड़ से गिरा कर मैंने ही मारा था। ऐसा मत करिए। नहीं, छोड़ो मुझे, इसे जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या है? एंटीबायोटिक। मैं तुम्हें मारने वाला था, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मौत से इंसान इतना क्यों डरता है? वो इसलिए क्योंकि मौत से सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म नहीं होता है, अगले जन्म की शुरुआत होती है। नंदू, क्या इलाज हो गया इसका?
अभी बहुत काम है। टेक केयर। ओके, रोप टाइट कर दिए हैं, हम लोग जा सकते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अगर ये सब पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। टीम के दो लोग मर चुके हैं और एक हमें मारना चाहता है, और इन सब की वजह तुम हो। अभी शांत हो जाओ। नंदू तुम चुप रहो। ओमकार, तुम जैसे लोग इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। तुम्हारी वजह से हम सब मौत के बारे में सोच सोच के पल पल मर रहे हैं। अब तो खुश हो ना तुम? मौत का डर क्या होता है पता है ना तुम्हें? पता है मुझे, मैं मौत का डर जानता हूँ। मैं जीने की वजह भी जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे एडवांस स्टेज ऑफ लंग कैंसर है। इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता है। अगर मेरी बीमारी का कोई इलाज है तो वो यहां उस पहाड़ के ऊपर है। डॉक्टर्स के मुताबिक तुम्हें एडवांस स्टेज का लंग कैंसर है और तुम हर पल मर मर के जी रहे हो, ये मैं जानता हूं। ऐसी सिचुएशन में तुम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर इस पहाड़ पर जाकर उस रहस्य को खोज लोगे तो वो पहली जान जो तुम बचाओगे वो तुम्हारी अपनी होगी। आप जो कह रहे हैं क्या वो पॉसिबल है सर? इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर हम उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएं तो हम हर इंसान की मदद कर सकते हैं। इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने तुम सबको मजबूर किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मेरे दोस्त। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे कहने पे हम सब अपनी जान दांव पे लगा दें? तुम इंसान हो या जानवर? समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अब चुपचाप खड़े रहो। हे! अभी, 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 हे अभी, स्टॉप इट यार! अभी, हे, अभी सुनो, आप नहीं लगाएगा, अभी शांत हो, आप नहीं लगाएगा, बोला ना, अभी, पीछे हट, अभी, अभी, चाट ईशा, ईशा, ईशा,
ईशा, ईशा। ईशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे भी हूँ, तुम्हें क्या? कम ऑन ईशा, अभी भी गुस्सा नहीं गया क्या? ये गुस्सा नहीं, नफरत है और हमेशा रहेगी। दिस इज टू मच ईशा। उस समय तुम्हें बचाने के लिए मैं थोड़ा डर गया था, मानता हूँ, मगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया। लग रहा है कोई मेरा पैर खींच रहा है। ईशा, ओह, तो अब ये नाटक कर रहे हो? तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने अब नहीं चलेगा। लग रहा है कोई मुझे अंदर खींच रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं समझ गया, क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे लिए यूज करने वाली चीज थी ना? प्लीज ईशा, मैं सच कह रहा हूँ ईशा। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ोगे, अरे आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ईशा, ईशा, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा ईशा मैं। तुम मर भी गए ना ईशा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धोखेबाज। टॉमी, तुमने सही कहा, हम में से सिर्फ एक ही सरवाइव करेगा। जरूर उस पहाड़ के ऊपर कोई ना कोई रहस्य तो है। उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने का हक सिर्फ एक को है, लेकिन मैं सबके जैसा खुदगर्ज नहीं हूं। जब मेरी ही जान खतरे में है तो मैं तुम्हारी जान की फिक्र क्यों करूं? मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूं। अब मैं इस मिशन पर अकेला जाऊंगा। जीत होगी तो सिर्फ ओमकार की। आखिर में ओमकार का असली रूप सामने आ ही गया ना। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? सच हमेशा कड़वा ही होता है। यहाँ सबके सब स्वार्थी हैं। हर इंसान स्वार्थी होता है, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग कम और कुछ लोग ज्यादा होते हैं, और कुछ लोग स्वार्थीपने की हद को पार कर जाते हैं। चाहिए था। तुमने सही कहा था नंदू, कि मरने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। टॉमी, ये तू क्या कर रहा है? मैंने जो गलती की है उस गलती को मैं अपनी जान देकर सुधारना चाहता हूं। मेरा समय समाप्त। इदं जीवं प्रसादकम् पवित्र प्रदेशम् इदे जीवाने प्रसादिंचे पवित्रमेन प्रदेशम्। टॉमी नहीं। स्वार्थ कपट कल्मचरितः येव यतत् शिखराक्रम प्राप्तम् प्राप्त्युः। दिल से जो अच्छे हैं और लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, वही लोग उस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। टॉमी नहीं। विश्व स्वयं स्वयं वरहत हस्ते, हम में से कोई एक ही उस पहाड़ पर चढ़ सकता है, और नंदू वो तू है। नहीं टॉमी। अन्य मृत्यु मुगम प्राप्ति हुआ। तुम सबके लिए मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं। नहीं नहीं टॉमी, नहीं, ऐसा मत करो टॉमी, नहीं प्लीज, ऐसा मत करो टॉमी।
सर, सर, क्या हुआ? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ। आइए। क्या आप ठीक हैं? ओके। थैंक यू। एक बात बताओ, टॉमी कहाँ है? टॉमी मर गया सर। नो। हम तीनों रूप से लटक रहे थे सर, वो रूप कभी भी टूट सकती थी। हमारी लाइफ को बचाने के लिए उसने खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया सर। आप ठीक तो है ना सर? कुछ नहीं। देख लिया ना, मोनिका सर सर करके अपनी जान की भीख मांग रही थी। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता नंदू, सिचुएशन के साथ बदलता रहता है। तो मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया। मैं भी तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे दूसरा रास्ता दिखाई नहीं। मुझे भी जिंदा रहना है। क्या हुआ? सुनकर गुस्सा आ रहा है क्या बे? तुझे मैंने एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचा दिया नंदू, तुझे एक नई पहचान दी है मैंने, सोसाइटी में हीरो बना दिया है तुझे। जब तू मर जाएगा ना तो तेरी न्यूज आएगी टीवी के ऊपर, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा हमारा हीरो मर गया। न्यूज देखकर बहुत सारे लोग दुखी होंगे, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देंगे। तेरी मौत का कारण मैं हूं, तू तो और फेमस होगा भाई, बच्चे बच्चे की जबान पर तेरा नाम होगा। तू तो मुझसे भी फेमस हो जाएगा अगर तेरी लाश मिली तो। मोनिका, 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 मोनिका। Love you. I love you too, Monica. तुम चिंता मत करो, उस पहाड़ पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। I miss you, Omkar. Oh
आई मिस यू। बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहता था मैं, लेकिन इस माउंटेन में उल्टा लटक रहा हूं। तुम बहुत अच्छे हो ओमकार, इसलिए तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नो, तेरी कंपनी चाहिए मुझे। तू सच नहीं हो सकता। गो टू हेल। गो टू हेल। मेरे बीवी के ऑपरेशन की वजह से मैं यहां आया था, और अब मेरे बिना मेरे फैमिली का क्या होगा? अगर इस टूर पे हम दोनों नहीं आए होते तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, एक दूसरे की जान लेना जिंदगी नहीं है। अपने माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूँ, बताओ कौन संभालेगा उन्हें? नहीं, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ओमकार, लालच की भी एक हद होती है यार, लेकिन तू कितनी भी कोशिश कर ले तू उसके लायक नहीं है। तूने जो पाप किए ना, ये पहाड़ उस सब का हिसाब लेगा। बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं यहां से। कैसे समझाऊं तुम सबको, बिना तकलीफ से जो इंसान मरता है वो एक बार मरता है, और जिसे अपनी मौत का पता चल जाए ना, वो हर रोज हर मिनट हर सेकंड जीते जीते मरता रहता है। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे कैंसर का इलाज है, और मैंने इस माउंटेन के बारे में जब सुना, मुझे जीने की थोड़ी सी आस नजर आई। तुम्हें बिना बताए तुम सबको साथ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे जीने का चांस चाहिए था, और वो तुमने दिया मुझे। लाइफ में मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं। तुम सब जिंदा नहीं हो ये जानता हूं मैं, मेरा माइंड गेम खेल रहा है मेरे साथ। तुम सब मेरे सामने मत आओ, चले जाओ मेरे सामने से, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो। I can't die, मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। ऑलमोस्ट पहुंच गए। प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। मोनिका, मोनिका आंखें खोलो, मोनिका मैं पानी लेकर आता हूं। Thank you.
मोनिका, मोनिका उठो, चलो कम ऑन। मोनिका, हे मोनिका, हम पहुंच गए। मोनिका, मोनिका उठो, मोनिका प्लीज, मोनिका, मोनिका प्लीज, सब कुछ खो दिया मैंने। Oh,
मोनिका, यहां जो भी चमत्कार हुआ अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मेरे मन में अब भी वही सवाल उठता है कि क्या सच में मैंने भगवान को देखा है या सिर्फ एक भ्रम था। क्या वो एक शक्ति थी या सच में वो भगवान थे, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। इंसान अपने जीवन को कभी भी काबू में नहीं ला सकता। वैसी अखंडमय शक्ति इस धरती पर है, ऐसी शक्ति हम इंसानों के अंदर वास नहीं कर सकती। जब जब हम जिंदगी से उम्मीद खो देते हैं तब तब अलग अलग रूप में भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमारी की हुई गलतियों को सुधारने के लिए। हमारी गीता का सार ही यही है, इंसान जरूरत की जिंदगी नहीं जी रहा, लालच की जिंदगी जी रहा है। इंसान अपनी खुशी को पाने के लिए आसमान को भी छू लेता है। जीवन में परमात्मा को खोजने से पहले अपने अंदर की आत्मा को खोजना जरूरी है। इसे विज्ञान कहते हैं या कुछ और ये तो पता नहीं। इंसान को अपनी अपनी जिंदगी को अपने मन के मुताबिक जीना है तो रहस्य को रहस्य ही रखना पड़ेगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा रहेगा। ये उगता हुआ सूरज मेरे सारे सवालों का समाधान देता है। और सत्य तो ये है कि अगर ये सूरज नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं होती, मतलब इस सृष्टि पर जीवन पनपता भी नहीं। एक ना एक दिन हर किसी को मरना है, यही इस सृष्टि का नियम है। इंसान को मौत से बचाने के लिए ये हमारी पहली कोशिश थी, जिसमें हमारे दोस्तों की मौत हो गई। उस पहाड़ के ऊपर जो अमान्य शक्ति है उसे समझने का दिमाग इंसान में नहीं, उस रहस्य को खोजने की हमारी ये कोशिश यही खत्म हो चुकी है। उनकी मौत की जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसलिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, उस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है। उस पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं है।